विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साईं को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं जीतते भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे, कमर के निशान पर बटन दबाएंगे। इस बार छत्तीसगढ़ में दीपावली के फटाके 3 बार जलाना है, 3 बार। मैं बताऊं क्यों 3 बार, जानना है ना? पहली बार दीपावली के त्योहार में जलाइएगा, दूसरी बार भाजपा सरकार 3 दिसंबर को बने तब फटाके जलाइएगा, और तीसरी बार 22 जनवरी को रामलला मंदिर में बैठे तब। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज सरगुजा में आया हूं, समग्र सरगुजा को इस कांग्रेस पार्टी ने धर्मांतरण का अड्डा बनाकर, मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दीजिए, किसी को भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करने पड़ेगा, इसका भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने सालों से आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, 1 साल में इस देश के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 रुपया खर्च करते थे। कितना खर्च करते थे, जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने इसको 1,29,000 करोड़ का बजट मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के कल्याण का बनाया है। 29,000 से 1,29,000। हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जो ओडिशा से गरीब आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उनको आजादी के बाद पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, मैं कहता हूं आप भाजपा सरकार बना दो, हम तेंदू पत्ता संग्रहण करने वाले लोगों को, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को 5,500 रुपया प्रति मानांक का दर और 4,500 रुपये का बोनस देने का काम करेंगे।